ये है दिल्ली दर्पण। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं सर, मैं क्या कर सकती हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब फिर से कोई पुलिस वाला आके मुझे ना धमकाए। पुलिस वाले सारे के सारे उनके हाथों में खेल रहे हैं, जो वो बोलते हैं पुलिस वाले उसी के हिसाब से काम कर सकते हैं, एमसीडी वाले भी उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। और दूसरा क्या है कि अब मेरी पत्नी अकेली रहती है घर पे, अब इसको कहाँ छोड़ूं, अपना काम धंधा देखूं या फैक्ट्री बंद करके बैठ जाऊं। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अभी सीसीटीवी की तस्वीरें आपने जो देखी, मीडिया में भी काफ़ी इसकी चर्चा है कि किस तरह से एक पुलिस का जवान, जो दिल्ली पुलिस महिला सुरक्षा का दावा करती है, महिलाओं के साथ सम्मान से पेश आने की बात कहती है, लेकिन वो व्यवहार में किस तरह से बदतमीजियाँ भी करती है, ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं। इस वक्त हम उसी महिला के साथ हैं, उनके घर में मौजूद हैं जिनके साथ ये बदतमीजी हुई है। मौर्या एन्क्लेव थाना पुलिस का ये मामला है कि कल एक ASI यहाँ आता है और किस तरह से उनसे मोबाइल छीनना, हाथ मरोड़ना, झगड़ा करना, ये सब बातें और ये सब हरकतें उसके साथ होती हैं। तो ये महिला है निधि गुप्ता हमारे साथ हैं। निधि जी, क्या हुआ था कल, वो किस कॉल पे आया था और मामला क्या था? सर, 2 महीने से मेरे यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। मेरा 2 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे दूसरे रहते हैं परमजीत सैनी, मोहित सैनी के नाम से। जब से मैंने 2 महीने से काम शुरू हुआ है, ये लोग मुझे रोज़ाना कंप्लेन करते हैं। पहले 100 नंबर पे फ़ोन करा करते थे, पुलिस आती थी आके देख के कि कोई इलीगल काम ही नहीं हो रहा है, कंस्ट्रक्शन आप बताओ, पत्थर बदलवाना, POP कराना तो कुछ गलत नहीं है ना, वो देख के चले जाते थे। मैटर MCD में चल रहा है, कोई इशू नहीं है। 3-4 बार पुलिस आ चुकी है। एक दिन इनके बेटे ने मेरे साथ बहुत गाली गलौज करी, मारने की धमकी दी सबके सामने, सारे आस पड़ोसी इकट्ठे होकर उसको डांटने लग गए। मेरी सहेलियों को भी वो गलत शब्द बोलने लग गया। तब भी सर मैंने 100 नंबर वहाँ जाके FIR करवाई, कंप्लेन कराई। उस दिन भी मेरे पे प्रेशर देके सब ने कि आप कंप्लेन वापस ले लो, कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे समझाया कि कोई बात नहीं मैडम, जवान लड़का है, उसकी लाइफ खराब पहले की बात है। ये सर 19 तारीख की बात है। अच्छा, 19 अप्रैल, मतलब 10-12 दिन पहले। हाँ, 10-12 दिन की। उस दिन उसने मुझे लेटर लिख के दिया कि आज के बाद मैं कोई भी गलत काम करता हूँ, आपके साथ मिसबिहेव करता हूँ, या कोई भी आपके साथ मैं दोबारा से कंप्लेन करता हूँ और आपके यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा होगा तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करना, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने 22 तारीख को फिर से कंप्लेन कर दी। मैं फिर गई थाने कि सर आपने तो मेरे से लेटर लिखवाया था उससे कह के कि आप लोग कि वो अब वो कोई भी एक्शन लेगा दोबारा से कंप्लेन करता है तो आप आके रिपोर्ट करना। उस दिन SHO सर बोले ये आप IO से बात करो, छोटा सा मैटर है, MCD का मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं वापस आ गई, वो तीनों हस्बैंड मोहित सैनी, परमजीत सैनी थाने में बैठ रहे थे, वहाँ भी मुझे घूर घूर के देख रहे थे। मुझे ये फील हो रहा था कि ये लोग सब मिले हुए हैं आपस में, आप सोचो दोनों वहाँ पर हैं, मेरे जाने से पहले ही वहाँ कैसे बैठ गए, वो वहाँ पे जाके बैठे हुए थे और मुझे ऐसे घूर के देख रहे थे कि तू बाहर निकल। नहीं, वो जो ठीक है, वो जो तस्वीरें जो CCTV में दिख रही हैं, हाँ जी, वो क्या मैटर था, मतलब एक्चुअली हुआ क्या कल, फिर यहाँ तक बात कैसे पहुँची? सर कल मैं एक एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए दीवार में 6 इंच का छेद करवा रही थी। अब दीवार 4 इंच की होती है, तोड़ने में आवाज़ तो आएगी, आप बताओ, एग्जॉस्ट फैन के लिए रेनोवेशन चल रहा है। अब एग्जॉस्ट फैन की जब आवाज़ आई, पत्थर टूटेगा, सारे आके सबने इन लोगों ने पता नहीं 100 नंबर पे कॉल करते हैं या ये डायरेक्ट पुलिस से मिले हुए हैं और फ़ोन करते हैं, मुझे ये भी नहीं पता। क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही जब मेरे यहाँ काम चल रहा था, नीचे आके खड़े हो गए ASI विजय सिंह, आके मेरे को घंटी बजाई, मैं नीचे गई, वो दोनों हस्बैंड वाइफ मोहित सैनी, परमजीत सैनी और उनकी मिसेज नीचे खड़ी भी उनसे बात कर रही थी, मेरे पास आके बोला दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा सर अभी कोई जेंट्स घर में नहीं है और आप जब हस्बैंड, या तो मैं उनको बुला लेती हूँ, आप थोड़ा वेट करो। बोले हम सरकारी नौकर हैं, हम कोई आपके नौकर नहीं है जो यहाँ खड़े होकर वेट करेंगे, हमारे पास 10 काम है। मैं कहा सर एक काम करो, फिर आप एक घंटे के बाद आ जाओ, पहले तो काम रुकवा अपना, पहले काम रुकवा। मेरे चौकीदार से धमकी दे के बोलने लग गए दरवाज़ा खोल साले,
तेरे को भी अंदर कर दूंगा। मैं कहा सर उसको क्यों बोल रहे हो आप, वो तो मेरा नौकर है, आप उसको कैसे बोल रहे हो और आप ऐसे बोल कैसे रहे हो सर, मैं आपको कह रही हूँ आप मेरे हस्बैंड से बात करो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, आप दरवाज़ा खोलो मुझे वीडियो बनानी है और मैं चला जाऊँगा। मैं कहा सर आप वीडियो बनाना पूरे घर की आराम से बनाओ, बस मेरे हस्बैंड के आने का वेट कर लो, वर्दी तो 500 रुपये पर मिलती है किराए पर, मुझे क्या पता आप रियल और वो। और मैंने एक फ़ोटो खींच ली उसकी, मेरे हस्बैंड ने मुझे पिछली बार कहा था कोई आता है आप फोटो तो खींच लिया करो, कौन आया मेरे को नाम नहीं याद रहता था कि कौन आया है, पुलिस वाला वो फेक है रियल है मुझे क्या पता सर आप ये बात बताओ। ठीक है बस मैंने फोटो खींची, वो तो मेरे पास वो दोनों मियां बीबी परमजीत सैनी और वो उसको भड़काने लग गए, देखो आपकी फोटो खींच रही है, देखो ये कर रही है, गलत औरत है ये है। मैं डर गई बहुत ज़्यादा, वो मेरे पे झपटा मेरा फ़ोन छीनने के लिए। सर मैंने अपने फ़ोन को पीछे करा कि मेरी इतनी चीज़ें हैं मेरे फ़ोन में, कहीं फ़ोन लेके ना फेंक दे मेरा। फिर मैं पीछे हो गई, मैं कहा सर मैंने आपकी फ़ोटो खींच के क्या गलती करी है, फ़ोटो डिलीट कर, पहले मेरा बदतमीज़ औरत घटिया औरत बेवकूफ़ औरत मेरी फ़ोटो डिलीट कर। मैंने कहा सर मैं आपके सामने डिलीट कर रही हूँ, आप देखना वीडियो में सब आया हुआ है। मैंने ऐसे करके फ़ोटो को डिलीट करा उसके सामने, डिलीट कर दिया। फिर उसने झपटा मारा मेरे फ़ोन पर लेके फेंकने के लिए, छीना झपटी करी। फिर मैं पीछे हुई हूँ, फिर मेरा हाथ पकड़ के उसने जो मेरा फ़ोन छीना है सर, और पता नहीं मैंने भी फ़ोन नहीं छोड़ा इस डर से कि मेरा फ़ोन फेंक देगा, और अगर छोड़ देती मेरा पूरा हाथ मुड़ गया सर, पूरा बैंड ऐसे सब नील मेरे हाथ में, इतना दर्द कि कांपता रहा मेरा हाथ, 1.5 घंटा कांपा है हाथ मेरा। मेरी भाभी आई, वो बोली इसकी वो करा जाके साथ साथ कंप्लेन कर और जाके वो करवाओ, कुछ होता है ना मेडिकल कराते हैं वो करा तू। इतना दर्द पर मुझे कुछ पता ही नहीं था, जब तक ये आए हैं जब तक तो मैं ऐसी हो चुकी थी कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। फिर ये लोग मुझे लेके गए हैं थाने, वहाँ पे SHO सर से बात करी, पहले तो वो मानने को तैयार ही नहीं हुए, उसको बुलाया विजय सिंह को, और विजय सिंह ने आके मना कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। फिर जब ओके और उल्टा ऐसे करके बोले आके चौड़े होके कि कुछ नहीं करा मैंने, फिर SHO सर ने मैंने वीडियो दिखाई उनको। अच्छा तो उनको नहीं पता था कि CCTV में आ गया सारा? नहीं उनको नहीं पता, उनको ये पता नहीं था, नहीं उनको कुछ नहीं पता था। गली में कैमरे लगे हुए हैं, मेरे पास भी कैमरा है ऊपर, तो मेरे को खुद ही नहीं याद था कि कैमरा है, नहीं तो आप सोचो मैं पीछे क्यों होती, मैं तो नेचुरल जो हो रहा था। मैंने कहा सर को दिखाया जाके, तो वो एकदम बोले कि चलो हम कार्रवाई करते हैं आप बैठो। फिर बैठे, उन्होंने बुलाया, अब उनसे क्या उनकी आपस में बात हुई मुझे नहीं पता, वो आके मेरे से सॉरी बोलने लग गए, मैडम हो गया गलती हो गई। मैं कहा ये सॉरी नहीं होती सर, आपने मुझे घटिया वटिया क्या तो क्या बोला है, अब आपका आ गया मैटर। अगर मैंने कहा सर आज मेरे पास कैमरे नहीं होते लगे हुए तो क्या आप मान लेते, मुझे बता दो ऐसे कितनी महिलाएँ होंगी जिनके पास कैमरे नहीं है लगे हुए और उनके साथ यही सब होता है, दिल्ली पुलिस रक्षा के लिए होती है या जबरदस्ती? अच्छा उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी थी? कोई नहीं थी। मैंने बोला कि सर आप किसी महिला को ले आओ, मैं अंदर जाके वीडियो बना दूंगी, कोई इशू नहीं है। पर वो तो सुन ऐसे आए थे जैसे मेरे से आए हों इसी पर्पस से कि आज तो मुझे घर में घुसना है और इस लेडी के साथ करना है, उनके कहने से, परमजीत सैनी मोहित सैनी के कहने से ही वो आ रहे हैं बार बार। और मुझे तो ऐसा लगता है उनके डायरेक्ट कंसर्न है कोई इन लोगों के साथ, जो वो फ़ोन करते ही आज आ जाते हैं मेरे यहाँ सर, 10 मिनट भी हथौड़ा बजेगा ना इनको पता चल जाता है और पुलिस आ जाती है। अब आप बताओ ये तो आपने आ जाती है तो पुलिस का काम है MCD को सूचना दे देना, और MCD में ऑलरेडी मामला आपका चल रहा है, इलीगल काम होगा तो MCD देखेगी। सर पुलिस का तो रोल इतना ही पुलिस का रोल था, ठीक है उसका काम है। वो बोले जी मैडम 100 नंबर पे कॉल आएगी हमें भेजना पड़ेगा। मैं कहा सर आप भेजो, पर ऐसे मिसबिहेव तो नहीं करेगा ना मेरे साथ वो, आप बताओ। बोले नहीं, और बार बार कितनी बार कॉल करेगा कोई, और एक आदमी, और मेरी यही मांग है आज भी, एक आदमी कितनी बार फेक कॉल कर सकता है और बार बार वो मेरे को आके हैरेसमेंट करते हैं। मैं ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, मेरी सास डर के मेरे जेठ के यहाँ रहने के लिए चली गई हैं कि रोज़ रोज़ पुलिस आ जाती है। 90 साल की लेडी हैं वो आप सोचो वहाँ गई हुई हैं ये सोच के कि इनके यहाँ तो रोज़ पुलिस आ रही है। डरी भी हैं वो इन लोगों से, मोहित सैनी और परमजीत सैनी से, क्योंकि वो लड़का थोड़ा गुंडा टाइप है, सबको निकलता है ना, थोड़ा ऐसे दिखाता है कि मैं तो क्या हूँ, और मुझे धमकी दी है तेरा घर सील करवाऊंगा। पहले भी आपने कंप्लेंट दी है सर, ये वैसे मुझे धमकी किस बेस पे दे रहा है सील करवाऊंगा, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं है मिली भगत किसी से। आप सोचो नहीं तो कोई आदमी मुझे आके कैसे कह देगा, एक रेनोवेशन कराना कोई पाप है? उसका बन रहा है घर में, लीगल बन रहा सारा उसका ऊपर। सर ऊपर के घर का तो नक्शा ही नहीं है, नक्शा हमारे पास है इस मकान का, ऊपर की बिल्डिंग है ही नहीं फ्लोर में, सिर्फ दो फ्लोर है हमारे बने हुए, हमने आज तक एक्शन नहीं लिया। मेरे हस्बैंड यही बात कहते हैं, हम चाहें तो ऊपर के खिलाफ वो कर सकते हैं कि इनका तो नक्शा ही नहीं है, पूरा बिल्डिंग है इनकी, पूरा फ्लोर बना हुआ है, फिर भी क्या बोले मेरे से किसी का घर क्यों उजाड़ना।
आप सोचो मेरे हस्बैंड इतने शरीफ आदमी है, योगेश गुप्ता। चलिए अब क्या चाहते हैं अब आप? मैं क्या प्रेशर है आपके ऊपर? मेरे पास ये प्रेशर है, आप कंप्लेन वापस लो। मैं एक बार कंप्लेन वापस लेके देख चुकी हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती है। बाद में मेरे साथ, मेरे को आज एक्शन लेना है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और महिला के साथ नहीं होना चाहिए। और मेरे पे ये प्रेशर जो आ रहा है कि आप कंप्लेन वापस लो, चलो मैं आज उसके कहने से कंप्लेन वापस लेती हूँ। कौन प्रेशर डाल रहा है सर? सब पुलिस वाले ही लोग हैं, और भी लोग हैं काफ़ी सारे जो कह रहे हैं आप कंप्लेन वापस लो, उसके घर है, बच्चे हैं। सर मुझे भी पता है, मैं भी नहीं चाहती थी कि बच्चे छोटे किसी के रूलें, लेकिन आप बताओ आज बच्चे मेरे साथ होते हुआ लेकिन ऐसे व्यवहार करेंगे मेरा भी तो... बेटा है, उसने मुझे थाने में रोते देखा है पहली बार कि मेरी मम्मी रोई कैसे जाके, उसके ऊपर क्या बीत रही है आप बताओ। 27 साल का लड़का है मेरा, और इतना शरीफ कि आप मोहल्ले से आके पूछो, वो कभी भी नमस्ते कर से कम तो बात नहीं करता पैर छू के। वो लड़का आज ये बात कह रहा है कि मम्मी मेरी रोई है तो मैं इनको कैसे। तो आप एक्शन चाहती हैं? हाँ सर बिल्कुल। हाँ चलिए, तो ये थे निधि गुप्ता जिनके साथ उस जो वीडियो में दिखा रही हैं महिला जो दिख रही है उनके साथ किस तरह से बरती। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन की या निर्माण से जुड़ी जो भी शिकायतें आती हैं, प्रशासन उसको किस तरह से डील करता है? क्या पुलिस इस तरह किसी के घर में घुस सकती है, इस तरह से बदतमीजी करेगी? पुलिस का जो काम होता है केवल और केवल एमसीडी को इसकी सूचना देना होता है, लेकिन अब पुलिस क्या कर रही है ये आपने वीडियो में देखा। और अब उस शिकायत के बाद भी जिस तरह पहले रिक्वेस्ट मोड में कंप्लेंट वापस ली गई, अब फिर इसी तरह का प्रेशर इन पर बन रहा है। ऐसे मामलों में हो सकता है कि कंप्लेंट वापस ले भी लें लोग बाग, लेकिन क्या इस तरह के व्यवहार को करने की इजाज़त दी जानी चाहिए? आला अधिकारियों को इस पर संज्ञान तुरंत नहीं लेना चाहिए? तुरंत उस पर कोई ना कोई सो मोटो एक्शन नहीं हो जाना चाहिए? आप इस पर अपनी राय दीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ऐसे तमाम उन पुलिस वालों को एक डर का एहसास हो कि अब आप किसी के साथ भी इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।